हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप फोन पे में अपना जो ट्रेन टिकट है वो बुक कर सकते हो। काफ़ी इजी स्टेप है जिसे आप फॉलो करके अपना जो ट्रेन टिकट है 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपका जो ट्रेन टिकट है वो बुक हो जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे आपको अपना जो ट्रेन टिकट है वो बुक करना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना जो फोन पे है वो आपको ओपन करना होगा और मैंने भी अपना जो फोन पे ऐप है वो मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक कैटेगरी ट्रैवल का। तो आपको यहाँ पे इसी कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन ट्रेन्स का। तो आपको क्या करना है, उस ट्रेन्स वाले सेक्शन में आना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा ट्रैवल करने के लिए या ट्रेन बुक करने, मतलब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, आपको सबसे पहले जहाँ से मतलब आपको ट्रैवल करना है और जहाँ पे उतरना है वो आपको पहले डालना होगा। लाइक जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो, अलग अलग जगह से ये वीडियो देख रहे होंगे लोग और कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपना जो है दिल्ली से सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना स्टेशन सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस पे जो है टैप करूँगा। इसके बाद मैं सिंपली जो है दिल्ली में जितने भी स्टेशन है वो पहले तो मैं दिल्ली टैप करूँगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है सजेशन में मेरे जो है स्टेशन आ जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दिल्ली ऑल स्टेशन, दिल्ली आनंद विहार, और यहाँ पे आपको दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल भी देखने को मिल जाएगा। और दिल्ली के एंड काफ़ी सारे जो है दिल्ली में ट्रेन स्टेशन है, तो वो सारे स्टेशन यहाँ पे आपको आ जाते हैं। जिस स्टेशन से आपका जो मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो एरिया क्लोज पड़ता है, वहीं से आप अपना ट्रेन पकड़ोगे। तो मेरा यहाँ पे जो है दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल जो है वो पास पड़ता है वो वाला स्टेशन, तो मैं वहीं से जो है अपना मतलब ट्रैवल स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मैं वो वाला जो स्टेशन है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद मैं जो है दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूँ, तो मेरा जो है मुंबई में जो स्टेशन मेरे को मतलब जहाँ पे जाना है और जो स्टेशन वहाँ उस एरिया में क्लोज पड़ेगा वो मैं यहाँ पे टैप करूँगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में जहाँ पे आप उतरना चाहते हो यानी कि जहाँ जाना चाहते हो वो वाला जो एरिया है यानी कि वो स्टेशन वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है मुंबई डालूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मुंबई डाला, तो मुंबई के जितने भी स्टेशन है वो मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मुंबई ऑल स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई अंधेरी स्टेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मुंबई बांद्रा टर्मिनल्स। तो ये सारे जो है स्टेशन है और जो आपके एरिया में जो स्टेशन क्लोज पड़ता है, मतलब आपको अंधेरी जाना है और आपको लगता है कि अंधेरी स्टेशन मतलब है, तो मतलब मैं ऑब्वियस ही बात है अंधेरी वाला जो स्टेशन है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, किस डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है इस कैलेंडर पे टैप करना है, और मेरे को जो है मतलब अगर 7 तारीख को जाना है तो मैं सिंपली जो है 7 तारीख का जो है यहाँ पे डेट डाल दूंगा। अगर मेरे को नेक्स्ट मंथ जाना है तो मैं सिंपली जो है अपना जो मंथ है वो सेप्टेम्बर में शिफ्ट कर दूंगा। और मेरे को नेक्स्ट मंथ जो है 10 तारीख को जाना है तो मैं 10 तारीख यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, ओके पे टैप कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओपीटी फॉर फ्री कैंसिलेशन एंड गेट फुल रिफंड। सो बेसिकली ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनका जो प्लान है वो एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता है, तो वो अगर अपना जो टिकट है वो कैंसिल करते हैं तो उनको फुल रिफंड मिल जाता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि जब आप ये वाला टिक कर दे तो फ्री कैंसिलेशन, तो एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जिन लोगों का ये है कि कन्फर्म है उनको जो है जाना ही है, तो आई डोंट थिंक कि ये आपको मतलब टिक करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा फी है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। जो फ्री कैंसिलेशन लिखा तो है बट आपको ये वाला टिक करने के लिए, ये वाला ऑप्शन ऐड करने के लिए कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है ये वाला नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कंफर्म है कि मेरे को अपना जो है मुंबई जाना ही है, तो ये मैं टिक नहीं करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सर्च ट्रेन पर टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च ट्रेन पर टैप करोगे तो जो भी मतलब उस डेट को जो ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें कितने सीट्स अवेलेबल हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम देखने को मिल जाएगा और ये ट्रेन का जो नंबर है वो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। 1294 ये ट्रेन का नंबर है। गोल्डन टेम्पल M ये नाम है, और ये ट्रैवल कितने टाइम तक होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, 19 घंटा 35 मिनट। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 20 घंटे का ट्रैवल देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ट्रेन लेट ही पहुँचती है। साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक शेड्यूल का एक ऑप्शन देखने को मिला होगा। जैसे आप शेड्यूल पे टैप करोगे तो आपको जो है स्टेशन दिखा देगा कि कौन सा स्टेशन से आप ये जो ट्रेन है ये मतलब स्टार्ट होगी। अमृतसर से जो है ये अमृतसर जंक्शन जो स्टेशन है वहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। और भी काफ़ी सारे ऐसे मतलब आपको स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। आप नीचे में देख सकते हो जो भी आपका जो स्टेशन है वो क्लोज पड़ता है वहाँ से आप अपना जो मतलब ट्रेन है वो आप पकड़ सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। लाइक अगर आप शेड्यूल में जाओगे तो आपको यहाँ पे निजामुद्दीन जंक्शन है, ये मेरे को मतलब जो आनंद विहार है वहाँ पे, आनंद विहार से कोई भी ट्रेन मुंबई को नहीं जाती है, तो जो क्लोजेस्ट आपको स्टेशन है वो मेरे को दिखा रहा है। निजामुद्दीन जो स्टेशन है मेरे आस पास ही पड़ता है, तो मैं वहाँ से भी अपना जो ट्रेन है वो मुंबई के लिए पकड़ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको शेड्यूल में दिखा देगा कि कहाँ से स्टार्ट होने वाला है और किस किस स्टेशन से होके ये ट्रेन मुंबई जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा देगा।
टाइमिंग क्या रहने वाली है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग 5:35 पे स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शेड्यूल में दिखा दी जाती है। तो ये सारी चीजें आप समझ लेना, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्टेशन के अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेन है वो आपको बुक करना है। हर एक ट्रेन का आपको नंबर अलग मिल जाएगा, नाम अलग मिल जाएगा और उसका जो स्टेशन है वो भी आपको अलग मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे जो है काफी सारे आपको टिकट देखने को मिल जाएंगे। WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। आप WL में अगर मतलब टिकट बुक करते हो तो कंफर्म नहीं होता आपका टिकट। WL में क्या होता है कि जब कोई कैंसिल करेगा तब आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा। अगर कोई कैंसिल नहीं करता तो आपको वेटिंग में ही जाना पड़ेगा। बाकी अवेलेबल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अवेलेबल टू, तो यहाँ पे आपको टू सीट यानी कि टू टिकट अवेलेबल दिखा रहा है। छः आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा 6 अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको छः सीट मतलब दिखा रहा है कि अवेलेबल है, आपको यहाँ पे 6 सीट मिल सकती है इस ट्रेन में। सबसे लोअर होता है स्लीपर, उसके बाद होता है मतलब 3A, उसके बाद होता है 2A, और सबसे जो टॉप का होता है क्लास वो होता है 1A। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लग्जरियस में ट्रैवल करना चाहते हो। 1A में क्या होता है कि आपको प्रॉपर एक कंपार्टमेंट मिल जाता है बोगी के अंदर, आपको एक पर्सनल स्पेस मिल जाता है। अगर आप स्लीपर क्लास में जाते हो तो आपको काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है शेयरिंग करके जाना पड़ता है। शेयरिंग इन द सेंस कि आपको उसी बोगी में काफ़ी सारे सीट्स मिल जाते हैं, आपका खुद का सीट होता है बट उसमें काफ़ी सारे और भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है तो बेसिकली ये लग्जरियस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपना जो ट्रैवल है वो मतलब करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं सेकंड एसी से जो है ट्रैवल करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टिकट की प्राइस और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं जो है एक टिकट बुक करूँगा 10 तारीख को, 10 सितंबर को बुक पे टैप करूँगा। तो जैसे आप बुक पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपना जो पैसेंजर डिटेल है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लो। लाइक जैसे कि मेरे को यहाँ पे ट्रैवल करना है तो मैं अपना जेंडर पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर मेरा जो भी नाम है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखो नाम जो है यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वही वाला डालना है, जिससे क्या होगा कि TT अगर आता है तो आपका आधार कार्ड भी कई बार मांग लेता है कि आपका आधार कार्ड दिखाइए, और आपका सीट नंबर और आपका नाम से ही वो मतलब चेकआउट कर लेते हैं और आगे वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी एज है या नाम है आधार कार्ड पे वही वाला डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो भी नाम है वो डाल दूंगा, फिर आपको जो बर्थ प्रेफरेंस है जो कि सीट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, लोअर अपर, अपर बर्थ, साइड बर्थ, साइड लोअर और साइड अपर, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 अवेलेबल है यहाँ पे, आपको सीट देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे जो लोअर बर्थ है वही मैं सेलेक्ट करूँगा। ये सीट है, 3 सीट होती है, लोअर, मिडल, अपर, फिर आपको साइड में भी आपको सीट मिल जाती है, अपर और लोअर, ये आपको मतलब सीट के नाम होते हैं। इसके बाद अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है जो कि 5 साल से नीचे है तो उसका जो है फी नहीं होता, बट आपको उसका डिटेल भी डालना होता है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा एड चाइल्ड, और यहाँ पे आपको 0 से 4 ईयर का मतलब एक टाइम गैप देखने को मिल रहा होगा, ईयर गैप वो आपको यहाँ पे, अगर आपका 4 साल से या मतलब 5 साल से नीचे बच्चा है तो उसके डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करिए, उसके आपको चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। बाकी अगर 5 साल से बड़ा है तो यहाँ पे आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं उसके, मतलब उसका जो भी टिकट होता है नॉर्मली वही प्राइस आपको यहाँ पे देना पड़ता है। 5 साल के बाद जो भी बड़ा है सबको एडल्ट में ही काउंट करते हैं भाई, पता नहीं क्या है ये रेलवे वाले, बट हाँ यहाँ पे अगर आपका 5 साल से नीचे है तो उसका कोई टिकट चार्ज नहीं देना पड़ता है, बट अगर कोई एडल्ट है जो कि 5 साल को ये कंसिडर करते हैं एडल्ट, तो उसका आपको टिकट चार्ज जो कि यूजुअली आप दे रहे हो उतना जितना टिकट उतना ही आपको इसका भी देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपको फिलअप कर लेना है, एंड इसके साथ साथ आपका जो भी ईमेल आईडी है वो भी आपको डाल देना है। देखो यार अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो जो आपका टिकट है वो आपके ईमेल पे ही आता है और आपके नंबर पे ही SMS कर दिया जाता है कि आपका टिकट बुक हो गया, और सारी डिटेलें आपके ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे आता है। तो ईमेल पे जब आप अपना ईमेल डालोगे तो ईमेल पे प्रॉपर आपका PDF फाइल की तरफ जो टिकट है वो आ जाता है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो अपना जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे मस्ट जरूर डालना होगा, आई डोंट थिंक ये ऑप्शनल है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको डाल लेनी है। तो आपके सामने मैं अपना जो फ़ोन नंबर है वो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद मेरा जो भी ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे डाल लूंगा। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडिशनल प्रेफरेंस, जैसे आप इस पर टाइप करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा प्रेफर्ड कोच नंबर। आप यहाँ पे जो है कोच भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस कोच से आप ट्रैवल करना चाहते हो, और आपको अगर मैटर नहीं करता है तो बेसिकली ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो भी GST नंबर है ये भी ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हो डालो, अदरवाइज नहीं डालोगे तो भी आपका टिकट बुक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे जो है फ्री कैंसिलेशन करना चाहते हो तो फ्री कैंसिलेशन जो है आप जो है सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे आप चाहते हो नो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन तो यहाँ पे आप टिक कर लेना। अगर आप नहीं टिक करोगे तो आपको 300 कुछ रुपये शायद मतलब टिकट प्राइस के हिसाब से जो है फ्री कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है, तो ही आपका टिकट जो है अगर आप कैंसिल करते हो तो उसका रिफंड मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल फीस ऐड नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है ऑलरेडी टिक है,
टर्म एंड कंडीशन ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे टिक रखे रखनी है, आपको अनटिक नहीं करना है। जैसे कि देख सकते हो, डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, ये तो ये चीज़ें आपको मस्ट रखनी है। जैसे कि बाई चांस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ अनटिक नहीं करना है, क्या होता है कि कई बार मतलब ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, उसमें कई सारे लोगों की मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उनके फैमिली वाले को जो है अगर ये सारी चीज़ें टिक रहती है तो ट्रेन की तरफ से उनको कंपनसेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपको टिक रखनी है। इसके बाद आपको सिंपली जो है प्रोसीड पे टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे टैप कर लोगे, फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाएगा, वही कैंसिलेशन के लिए बोल रहा है। और अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए यस कर दे दो, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बोला नहीं कि कैंसिलेशन के लिए एडिशनल फीस देनी पड़ती है, ओनली 460 रुपये के आसपास जो आपको पर पैसेंजर जो है पैसे देने पड़ते हैं अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हो तो। आपको यहाँ पे अगर नहीं करना है और टोटल अप्रोक्स जो रिफंड है वो आपको मिलेगा 2335 रुपये। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है नो करने वाला हूँ और आगे बढ़ जाने वाला हूँ। जैसे मैं नो पे टैप करूँगा, देन फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा IRCTC डिटेल। यहाँ पे क्या है, ये IRCTC डिटेल जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली आपको जो है IRCTC ऐप में जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्टर करते समय आपको अपना जो भी यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो डालना होता है, एंड फिर वही जो है आपको यूज़र और पासवर्ड आपको मिलता है। और वही यूज़र पासवर्ड आपको जो है हर एक एप्लीकेशन में, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये सारे जो फ़ोनपे वाले हो गए, पेटीएम वाले हो गए, एक्सीगो, जो भी मतलब ट्रेन टिकट बुक करने वाले जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसमें आपको IRCTC का यूज़र आईडी ही डालना होता है और पासवर्ड। तो ये मस्ट आपके पास होना चाहिए, IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना जो ट्रेन टिकट है वो आप बुक नहीं कर सकते हो। अगर इसमें भी बताने लग गया कि आपको जो IRCTC का यूज़र आईडी है वो कैसे बनाना है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं IRCTC में अपना जो यूज़र आईडी है वो नहीं बना पाता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अलग से एक वीडियो बना दूंगा IRCTC ऐप में अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, आई फॉरगॉट पासवर्ड मेरे को ऑलरेडी याद है, तो मैं आई रिमेंबर पासवर्ड पे टैप करके आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ, देन फिर मेरे को यहाँ पे जो है ये जो भी टिकट का चार्ज है वो मेरे को पे करना होगा। यहाँ पे आप टैप करके जो है फेयर डिटेल समझ सकते हो। टिकट जो फेयर है वो आपको 2335 रुपये पे करने होते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 0.45 रुपीज़ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। GST आपको यहाँ पे 35 रुपये देने पड़ते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, एजेंट सर्विस, जो कि एजेंट सर्विस जो ये फ़ोन पे है ये सर्विस है, इन्हीं का ये दे रही है, तो फ़ोन पे यहाँ से आपका 20 रुपये लेती है। अगर IRCTC से अगर यही टिकट आप बुक करते हो तो ये जो 20 रुपये आप एडिशनल दे रहे हो इस टिकट के ऊपर, ये आपको नहीं देने पड़ते। तो ये एजेंट है और यहीं से आप बुक कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है फोन पे कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगी ही, तो वही चार्ज कर रही है 20 रुपये, और सारी चीज़ें मिला जुला के जो है 2388 रुपये बैठता है। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अभी आपको ये बोल भी रहा है कि अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन ऐड करना चाहते हो तो कैंसिलेशन ऐड करोगे, तो कैंसिलेशन ऐड करके टोटल जो आपका बैठेगा वो 2850 रुपये बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। इसके बाद आपको सिंपली जो है प्रोसीड टू पे पे टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे टैप करोगे तो आपको सिंपली जो है टिकट का जो भी प्राइस है वो आपको पे करना होता है। तो मैं सिंपली जो है प्रोसीड टू पे पे अगेन टैप करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी बैंक है वो लिंक रहेगा वो फोन पे से वो दिखा देगा। सिंपली मेरे को जो है पे पे टैप करना है। जैसे मैं पे पे टैप करूंगा, इसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो फिलअप करने के बाद आपको पे कर देना जो भी टिकट की प्राइस है, और फिर आपके ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी डाला था उस पे आपका जो टिकट है बुक होने के बाद आ जाएगा उसका PDF फाइल। तो उस टिकट में सारी चीज़ें मेंशन रहती है, कौन सा सीट नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा वो सारी चीज़ें उस टिकट में आ जाएगी। आपका जो PNR नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका बोगी नंबर है वो भी उस टिकट में रहता है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद आपको जो है जस्ट आपको स्टेशन जाना है, जो भी आपका टाइमिंग है, और आपका ट्रेन आएगा और आपको अपनी ट्रेन पे बैठना है, और फिर आपका जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको पहुँचना है, और बस यही है और क्या। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फोन पे में अपना जो ट्रेन टिकट है वो बुक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से किसी न किसी तरीके से हेल्प हुई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।